करने आया हूं और आपसे माफी भी चाहने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो गौर भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया, तुमने वैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासिद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमोस है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मकसद यह है कि सीमांचल